पलामू प्रमंडल का आयुक्त जटा शंकर चौधरी ने पलामू में पलास के पौधे से लहर की खेती को बढ़ावा देने पर बल दिया है। आयुक्त पाकी रोड सहित प्रमंडल क्षेत्र के विभिन्न स्थानों पर पलास फूल की लाली व पौधों को देख व किसानों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में पहल कर रहे हैं। आयुक्त ने कहा है कि पलामू में पलास के फूल से हर्बल गुलाल निर्माण कराने की दिशा में भी कार्य होगा। गुलाल निर्माण हेतु पलामू में प्रोसेसिंग यूनिट स्थापित की जाएगी। इससे पलामू प्रमंडल वासियों को प्राकृतिक गुलाल मिल सकेगा। साथ ही गुलाल निर्माण अधिक होने से दूसरे जिले एवं राज्य में भी इसका निर्यात किया जाएगा। उन्होंने कहा है कि पलामू प्रमंडल में बहुतायत मात्रा में पलास के पेड़ नजर आते हैं। इस पर भी लाह की खेती होती है। लाह की खेती को बढ़ावा देने से किसानों को काफी लाभ होगा। इसे लेकर कृषि अनुसंधान केंद्र के वैज्ञानिकों से विमर्श कर लाह की खेती को कैसे बढ़ावा देने का कार्य होगा, साथ ही किसानों को बाजार से जोड़कर उन्हें अत्यधिक मुनाफा दिलाया जाएगा। आयुक्त ने कहा है कि पलामू के कुंद्री लाह बागान में भी लाह का उत्पादन शुरू कराया जाएगा। उन्होंने बताया कि पलामू प्रमंडल का क्षेत्र लाह उत्पादन में बहुत प्रसिद्ध था। यहाँ से लाह की निर्यात होती थी। वर्तमान समय में इसमें कमी देखने को मिल रही है। किसानों को जागरूक कर उनमें लाह उत्पादन के प्रति रुचि जागृत करते हुए उत्पादन पर फोकस किया जाएगा। उन्होंने बताया कि वैसे तो कुसुम पेड़ की लाह उच्च गुणवत्ता वाली होती है, लेकिन पलामू में पलास और बैर से लाह निकाली जाती है। इसकी भी गुणवत्ता कम नहीं। लाह की खेती को बढ़ावा मिलने से पलामू में रोजगार सृजन होगा, साथ ही किसानों की आय दोगुनी होगी। लाह की बाजार भाव भी अच्छा होता है, इसके ऊंचे दाम मिलते हैं। उन्होंने बताया कि लाह की खेती से जुड़े किसानों को उन्नत किस्म के लाह किट मुहैया कराया जाएगा। साथ ही लाह की खेती के लिए प्रेरित प्रोत्साहित व जागरूक करने के साथ साथ कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से प्रशिक्षण दिलाया जाएगा। प्रमंडल के तीनों जिले पलामू, गढ़वा व लातेहार में लाह की खेती से जुड़े किसानों का डेटा बेस तैयार करने का निर्देश भी पदाधिकारी को दे दिया गया है। साथ ही इसके प्रोसेसिंग यूनिट स्थापित किए जाने का निर्देश दिया है। वहीं बेसलाइन सर्वे कराने की बातें कर दी है। एवरी वेलकम, यू've नेवर नोन, वेलकम टू अ जर्नी यू've नेवर इमेजिनड। Welcome to Arabia, Saudi. दो गड्ढों वाले शौचालय के बारे में सुना है? हाँ? नहीं सुना, आइए समझाते हैं। देखिए, दो गड्ढा बनाइए। पहले वाला जब मल से भर जाएगा ना, तो ये चालू हो जाएगा और साल भर के अंदर इसके अंदर जो मल है ये खाद बन जाएगा, इसे खाली कर दीजिए। इसी तरह शौचालय जो है वो आजीवन चलता रहे, न बीमारी फैलेगी न बदबू। और पैसे? अरे वो सेप्टिक टैंक से कई गुना सस्ता। हाँ, क्या समझे? शौचालय दो गड्ढों वाला ही बनवा।